हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल क्योंकि खुद ही को रखना होता है। तो टाइम आपने देख लिया और काम मेरे सारे हो चुके हैं। जैसा कि 5 से 7 वाला जो मेरा रूटीन रहता है वो पूरा हो चुका है। टिफिन विफिन हो चुका है, हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं, घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी। हाँ, किचन की थोड़ी सी मुझे और क्लीनिंग करनी है। और ये देखिए सारा काम हो गया। कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ आजकल, काफ़ी दिनों से तो ज़्यादा होते नहीं है, फटाफट फटाफट धो देती हूँ। तो आज के जो अभी के थे वही थे, तो 4-5 जो भी कपड़े थे वो भी मैंने धुल के सुखा दिए हैं। ये देखो दाना ढूंढने फिर एक दो कबूतर आ रहे हैं, तो ये झट से चट कर जाते हैं। तो बस अब जो देखते हैं अपनी एक्सरसाइज वाला रूटीन है वो करते हैं। देखा आपने क्या टाइम हो रहा है, और मेरा सारा काम जो है वो सब कुछ हो गया A to Z। तो आज मैं क्या काम निकालती हूँ, क्या करती हूँ देखते हैं। पहले अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। एक्सरसाइज करके नहा के सीधे मैं आई थी किचन में। तो पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो मैं अपनी पेट पूजा सुबह के टाइम पे बिल्कुल लाइट चीज़ें जो होती हैं, फ्रूट्स होता है, सैलड होता है, उन्हीं से करती हूँ। तो बस तरबूज थोड़ा सा खाऊंगी मैं, और बस उसके बाद जो है सोच रही हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। एक दो नमकीन और मुझे बनानी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की रिक्वेस्ट थी कि भैया अपने लिए भी बनाओ। ईलू के लिए बना रही हो तो मैं क्या, तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मेरे लिए भी बनाओ। तो उनके लिए भी बनानी थी। प्लस मैं क्या कर रही थी, ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, इनको मुझे सफाई भी करनी थी, पूरे डब्बे वगैरह मुझे पहुँचने थे, क्योंकि ग्रॉसरी लाने का काम होने वाला था। और इस तरीके से सफाई भी हो जाएगी, प्लस साथ में ये देख लिया जाएगा कि क्या चीज़ रखी है और क्या चीज़ नहीं है। जो चीज़ रखी है वो मैं ना लाऊं ग्रॉसरी में, और जो चीज़ कम है मतलब थोड़ी सी रखी हुई है उसको थोड़ा सा और ले आऊं, क्योंकि फिजूल खर्च क्यों करना। जो चीज़ रखी है उसे लाने से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये सारा चेक कर रही थी कि फ्रीज़र में क्या क्या रखा है, क्योंकि फ्रीज़र में मैं मैदा सूजी वगैरह उसी में रखती हूँ। तो जो चीज़ है वो मैं ग्रॉसरी की लिस्ट में ऐड नहीं करूँगी, और जो चीज़ नहीं है वो ऐड कर दूँगी, और जो कम है उसको थोड़ा लिख लूँगी, मतलब पूरा 1 kg या 1/2 kg ना लिख के। तो ये बाल्टी में मैं अपनी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी रखती हूँ, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो मैं नहीं लाऊंगी, जैसे कि मुरमुरे रखे हैं, सोया बड़ी रखी है, कसूरी मेथी रखी है, कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट है, चाय के भी 2 पैकेट रखे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट में ऐड नहीं करूँगी। दालें वगैरह भी मैंने देख लिया, चावल भी मेरे बासमती वाले जो हैं तेबार वो रखे हैं 2 kg, तो वो भी मैं ऐड नहीं करूँगी। इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, प्लस सारे डब्बे और जो है ना वो भी गीले सूखे कपड़े से और सब करके साफ़ कर दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी आती ही रहती है। आजकल आंधियाँ चलने लगी हैं तो फिर ना धूल मिट्टी होती रहती है। तो बस ये बाल्टी जहाँ से मैंने निकाली थी वहाँ पर झाड़ू दे के पोछा दे के, और बस यहाँ पर बाल्टी को वापस शिफ्ट कर दूँगी। और बस बाकी सारे डब्बे भी मुझे करने थे क्लीन, तो इसमें भी ये सारा देख लिया जाएगा ना कि भैया हाँ ये दाल है ये नहीं है, ये पाव भर बची है तो चलो पाव भर ही लिखनी है, क्योंकि दालें ज़्यादा नहीं लगती है, आधा आधा kg मेरी लगती है, और जो मैं ले लेती हूँ ना तो वो 1.5 महीने चलती हैं। तो जो चीज़ें जैसे थोड़ी थोड़ी हैं, जैसे मिर्ची वगैरह है, तो वो 1/2 महीने चलेगी मेरी। तो 1/2 महीने के लिए मैं ना लिखूँ तो भी दिक्कत, और लिख लूँ पूरी तो भी दिक्कत, तो थोड़ी थोड़ी मैं लिख लूँगी, है ना। तो बस ये सारे डब्बे क्लीन करूँगी, जिस बास्केट में मैं रखती हूँ वो भी जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो बस ये धूल मिट्टी साफ़ हो जाएगी ना, और ये जो पूरा ये स्लैब वगैरह है वो भी जो है मैं साफ़ कर दूँगी। तो बस कई चीज़ें मेरी रखी रहती हैं, काफ़ी मसाले और जो होते हैं ना काली मिर्च लौंग और ले लो तो ये तो काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं, एक बार ले लोगे ना आप तो 2-3 महीने चलते हैं। तो बस ये सब कुछ को मुझे क्लीन करना था। ये कुकर है एक्स्ट्रा, और जो बाटी ओवन है वो सब कर दूँगी, और बस पहले पोछा लगा देती हूँ यहाँ पर, फिर 1/2 डब्बे वहाँ सरका के फिर उसको वहाँ पर जगह पर लगाऊँगी, ऐसे करके पूरी क्लीनिंग करनी थी। तो ये क्लीनिंग का भी ना घर का एक एक दिन पकड़ लेना चाहिए तो वो सही रहता है। एक दिन जैसे किचन की डीप क्लीनिंग कर ली, और ऐसे करके हफ्ते में नहीं होगी, वीकली में तो बहुत ज़्यादा, हर महीने में 4 दिन का डीप क्लीनिंग हो जाएगी, तो आप 15 दिन या महीने से भी कर सकते हैं। तो एक दिन आपने कोई बेडरूम की क्लीनिंग पकड़ लिया, एक दिन आपने ड्राॅइंग रूम की पकड़ ली, एक दिन आपने किचन की पकड़ ली, बाथरूम वगैरह हाँ वीकली कर लेना चाहिए डीप क्लीनिंग। तो बस ये किचन की मैं करती रहती, क्योंकि औरतों का 90 या 99% जो समय है ना किचन में ही निकलता है। तो किचन साफ नहीं होना तो माइंड में टेंशन हो जाती है। हो गया है, आंधी सी आई है शायद। मैं कपड़े 4-5 ही लेके आती हूँ बाहर से। आज ही सारे डब्बे साफ किए, आज ही सारी धूल चढ़ जानी है वापस। देखो गेट के जो भी संद से होते हैं उससे भी धूल आ जाती है। रात को मतलब शाम को इतना सफाई करके सोती हूँ, रात को मतलब सो के उठते हैं सुबह इतना कचरा अंदर आया हुआ रहता है, क्योंकि रात को भी हवाएं चलती होंगी। तो अभी तो वापस
धूल नहीं आ जाए, पूरे डब्बे आज साफ किए मैंने सारे किचन का एक एक। पास्ता वाली नमकीन दोबारा बना रही क्योंकि इन्होंने बोला है कि और ज्यादा बना के रखो ये अच्छी लगती है इसकी, यानी मैक्रोनी वाली। डब्बे मतलब कि खाली हो गए, उन सबको धो देती हूँ और बाकी तो मैंने पोछ दिए कल ग्रॉसरी, कल परसों में देखेंगे मौसम खराब हो रहा है। चलो मैं ये धोती हूँ। तो मतलब मैक्रोनी उबल गई है, अब थोड़ा सा उसको ठंडा करके फिर वो सारा प्रोसेस करूंगी। उसमें आटा लगा रही थी मतलब मैदा वाली नमकीन और बनानी मुझे, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन से पानी पड़ती है, जब वो खाते हैं ना तो वो मुंह लग जाती है, तो इनको भी बहुत पसंद है, तो थोड़ी बची है तो और बना लेती। पे आटा लग गया था, वो रेस्ट कर रहा था, तब तक मैंने सोचा चलो ये मैक्रोनी को फ्राई कर लेते हैं। तो एक पन दो काज मेरे चलते रहते हैं, एक पन तो दो ही नहीं तीन चार काज मेरे चलते ही रहते हैं। तो ये देखो बस ये तला, फिर साथ साथ में ये फ्राई भी हो रहे थे और साथ साथ में ये बेल के मैं कट भी करी थी। ये छोटे छोटे बनाए हैं इस बार मैंने, इन पे मैं काला नमक और काली मिर्च जब ये तल जाएंगे ना तब डालूंगी, तो वो भी अच्छे लगते हैं है ना, थोड़ा सा मसाले वाले। ये देखिए पास्ता वाला तो बन गया, बस इसमें मसाले डालने। ये दो तीन प्लेट ऐसे मैंने छोटे छोटे बनाए कट करके, अभी और भी डालती हूँ। तो ये हो गए तो मैं फटाफट इनको फ्राई कर लेती हूँ, साथ साथ में फ्राई होते जाएंगे साथ साथ में बनते जाएंगे। तो बस साथ साथ में ही मैं तलती भी जा रही हूँ, क्योंकि दो तीन प्लेट मैंने पहले कट करके रख दिया था बना के, और साथ साथ में अब तल भी रही हूँ, और ये तल रहे हैं उतने में मैं बेल के कट भी कर रही हूँ। तो मैंने ना सब कुछ बना के अब बस डब्बों में डाल दिया है, मैं डाल रही हूँ। और फिर ये देखा, ओह माय गॉड, ये देखो अब ये मैस जो हो रखा है उसको क्लीन करूँगी। और फिर ये दिखता है क्या यहाँ पे, बर्तन दिखाती हूँ, बर्तन इतने सारे हो गए, कुछ भी बनाओ तो बर्तन इतने सारे होते तो बर्तन करूँगी अब, क्योंकि बर्तन वाली अभी तो है नहीं, अभी इस महीने के लिए मैंने पिछले ब्लॉग में शायद बता दिया होगा, तो मैंने उनको मना कर दिया था, तो अब मुझे बर्तन भी साथ साथ में करने होते हैं तो साथ साथ में कर लेती हूँ। सारी थालियाँ निकल करने में, इसका ढक्कन कहाँ गया? और मैं तो यार कटोरी और बनाने की सोच रही थी, कटोरी भी बना के रख लूँ, कटोरी चार होती ना उसके लिए, तो देखते हैं हिम्मत रही तो बनाने। मैं खुद ही पंगे मोल लेती रहती हूँ पता है, ये बोलते तुम करती क्यों इतना काम, अरे यार बस वही अपना टाइम पास करने के लिए, और क्या करें अभी ईलू और नहीं है ना, तो फिर मैं कुछ कर, वैसे ईलू होती तब भी मैं करती रहती हूँ, तो ये है अपना टाइम को को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, टाइम को गुजारने के लिए करती रहती। चलो बर्तन करती हूँ। ये सब करते करते इनके आने का भी टाइम हो गया था, ये आ गए थे, तो बस यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चाय, तो हम दोनों जन चाय पी लेंगे, क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ ना तो मैं दूसरी चाय लेती हूँ, वरना दिन में मैं सिर्फ एक चाय लेती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लूँ और थोड़ा सा मुझे लगती है कि थकान, तब मैं ले लेती हूँ, या तो ये जब नहीं पीते ना तब तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, लेकिन जब ये साथ में ही लेने को तैयार रहते हैं तब मैं दूध वाली चाय बनाती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक कॉफ़ी और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे चाय आधा आधा कप ही बनाई है मैंने, साथ में जो ये पपड़ी और पहले मैंने बना रखी थी वो रख दूंगी इनके लिए, और ये जो नाचोस वगैरह बना रखे थे वो रखूंगी, और चाय के साथ ये खा लेंगे थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे प्लेट में मैंने डाल दिया है, ट्रे में लेके जाऊंगी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है ये आके सो जाते हैं एक घंटे, और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, या फिर मैं किसी के कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ, या अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ आधी, जो भी एडिटिंग होती है ना तो वॉइस ओवर मैं सुबह को कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया होगा 6:15 हुई होंगी, ये गए हैं ऑफिस, इनको बुला लिया गया था तो ये चले गए।
तो किसी काम से गए, तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फिर अकेले हो गई तो काम निकाल लेती हूँ या ये कर लेती हूँ या कुछ खाना बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, बाहर चल के बैठते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं, अपने साथ बैठते हैं, अपने अंदर जाते हैं और खुद के साथ वक्त बिताते हैं। खुद के साथ वक्त बिताना भी ना बहुत ज़रूरी है यार। तो कभी अकेले में हो तो ऐसा ना समझें कि आप अकेले हैं, नहीं, आप अपने साथ खुद तो है ना, तो अपने साथ भी अकेले में भी एक वक्त होना चाहिए जिसमें अपने आप को महसूस करो, अपने दिल की सुनो, आप क्या चाहते हो वो पूछो अपने अंदर, मतलब दिल से पूछो और वो करो कभी कभी। तो बस शांति से बैठने के लिए जब मेरा मन भर जाएगा यहाँ बैठने से तो बस अंदर जाके काम करने लगूँ। तो अकेले में भी अपने आप को कभी अकेला ना समझे, आप खुद अपने साथ हैं तो अकेलेपन को एंजॉय करना भी आना चाहिए। मैंने बना दिया है, मैंने उड़द की दाल जो है वो भिगो दी है, इनके लिए बनाऊंगी मैं और इनको उड़द की पसंद है। अपने लिए मैं सोचूं घिया उबाल लेती हूँ, फिर उसको एक सब्जी जैसे बना लूंगी और हल्का रहेगा, लाइट रहेगा, है ना। तो बिल्कुल एक चम्मच तेल में मैं बना लूंगी, तो ये कर लेती हूँ अपने लिए। पहले मैं सोच रही थी सूप बना लूँ ये, लेकिन घिया मैं सोच कर लेती हूँ। यहाँ पे चल रही है पनीर भुर्जी की तैयारी, तो ये थोड़ी सी पनीर भुर्जी में मैं बना लूँगी, क्योंकि पनीर रखा था थोड़ा सा, तो मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी। पनीर में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है तो इस वजह से, और घिया, थोड़ा सा घिया की सब्ज़ी खा लूँगी, है ना। तो यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ इनके लिए, उड़द वाली दाल इनको पसंद है तो वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा घिया उबल गया है, हाँ ये दाल नहीं है, घिया है, और ये है पनीर भुर्जी। तो बस पनीर भुर्जी नॉर्मल सी छोंक दी थी मैंने, शिमला मिर्च टमाटर प्याज और कट करके पनीर भुर्जी को बना लिया था। तो इससे भी ना काफ़ी फुल सा ना फील होता है कि हाँ हमने काफ़ी कुछ खा लिया, ऐसा फील होता है। आप आधी कटोरी भी पनीर भुर्जी खा लोगे या सोया चंक्स की भुर्जी खा लोगे तो काफ़ी है ना। और ये डिनर के लिए इस चीज़ सही है, या लाइट जैसे आपने लिया घिया विया ले लिया तो ये सही रहता है। फिर बस अपने भगवान जी के दिया बत्ती करने के लिए चली गई थी, क्योंकि ये तो थे नहीं, ये लेट आए थे, आज 10 बज गए थे इनको, शायद 9:30 या 10 बज गए थे, कोई काम था, ज़्यादा काम था तो इतना टाइम हो गया था इनको। तो अभी हो गए हैं 8:20, मैंने अगरबत्ती भी खा ली थी, मैंने अपना जो घिया है ना बनाया था वो भी खा लिया, थोड़ी सी पनीर भुर्जी भी ले ली, ये अभी तक आई नहीं है। तो मैं क्या किया, 25 मिनट के करीब वॉक भी करके आ गई, अब फ़ोन उठा रहे ही नहीं है, ये काम होगा। तो बस अब मैं आ गई, बस अब मेरा काम इतना बचा है कि अपना फेस को वॉश करना है, इनको खाना खिलाना है और ये सब का, जो कि आपको पता ही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, मैं करती हूँ कंटिन्यू नहीं करती हूँ, तो बस थोड़ा रेस्ट करती हूँ, वॉक करके आई, फिर गर्म पानी भी मुझे लेना है। के बाद ये आए थे 9:30-10 ही आए होंगे शायद, अब मुझे याद नहीं, एक हफ्ते पहले का। तो उनको खिलाई गरम गरम रोटी, ये जो बर्तन सारे थे वो साफ़ किए मैंने, किचन को पूरा क्लीन किया, फिर काम बचता था गरम पानी का और दूध का। तो हल्दी थोड़ी देर बाद मैंने और अपने लिए और इनके लिए हल्दी वाला दूध बनाया, और बस फिर अपना नहाना था आज मुझे। तो मेरे किचन का सारा काम हो गया है और अब मैं नहा ली हूँ और अब बस सोऊंगी मैं आज बहुत तक, क्योंकि पता है मैंने किचन साफ की, फिर मैंने 2 चीज़ें बनाई, फिर दिन भर कुछ काम चलता रहा, घरों में दर्द हो रहा है, फटाफट से अब मैं रेस्ट करूँगी और नहा ली हूँ, थोड़ा सा कुछ लगाती हूँ फेस पे और फिर सो जाते हैं।